वहीं दूसरी ओर खुर्सी पार वार्ड 50 में जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट्स एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में मितानिन बहनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मितानिन बहनों को वस्त्र और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। मितानिन दिवस के अवसर पर लगातार मितानिन बहनों का सम्मान अलग अलग तरीके से अलग अलग संस्थाओं और लोगों द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी मितानिन बहनों का सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम खुर्सीपार के वार्ड 50 में स्थित गायत्री मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें खुर्सीपार क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने वाली मितानिन बहनों का सम्मान किया गया। मितानिन बहनें ही अपने क्षेत्र पारा में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती हैं और सदैव जरूरत पड़ने पर मदद के लिए खड़ी रहती हैं। विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भधारण से लेकर के उनकी डिलीवरी तक लगातार उनके साथ रहकर उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं और समय समय पर अस्पताल ले जाकर उनकी नियमित जाँच भी करवाती हैं। और इस तरह की सेवा देने वाली मितानिन बहनों का सम्मान होना ही चाहिए। सम्मान कार्यक्रम की जानकारी जहां जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन की चीफ कविता रंगारे ने न्यूज टीम को दी, तो वहीं मितानिन बहनें भी इस सम्मान को पाकर अभिभूत नजर आईं। मैं कविता रंगारे, जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट से। ये मितानिन दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग मितानिन लोगों का सम्मान कर रहे हैं। मितानिन लोगों का सम्मान करना चाहिए सभी लोगों ने, क्योंकि ये मितानी नहीं है कि घर घर जाके सभी लोगों की मतलब परेशानी को पूछती है, और प्रेग्नेंट महिलाओं को फर्स्ट महीने से लेके लास्ट महीने 9 महीने तक उसकी हर मतलब जो भी प्रॉब्लम रहती है तो उसको एनी टाइम रात हो या दिन हो जब भी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। सम्मान में मैं आज इन लोगों को एक साड़ी और श्रीफल। मेरा नाम बिंदु शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 49 से मितानी हूँ। बहुत अच्छा लगा मैडम आई, हम लोग का सम्मान करी, हम सभी मितानिनों का, वो बहुत अच्छा लगा। हमारा काम तो बहुत हार्ड वर्क ही होता है, क्योंकि हमको नाइट में या डे में कभी भी फ़ोन आ जाए, अगर आधे रात को आता है या दिन में आता है तो हमको जाना पड़ता है, अपने पेशेंट के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है, या फिर कोई अभियान चलता है तो उसके लिए सर्वे करना रहता है, चाहे भी कोई भी टाइम हो जिस समय भी तो हमको जाना पड़ता है करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि पहले नहीं, बहुत कम लोग किए हैं हमारा सम्मान, इस बार भी हुआ, मैडम करी, अच्छा लगा और खुशी हुई। मितानिन बहनों के सेवा कार्य की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। जरूरत है कि इन मितानिन बहनों को लगातार प्रोत्साहित किया जाए, ताकि यह अपने सेवा कार्य को अनवरत यूं ही अंजाम देती रहें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।